हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ क्लास फिफ्थ। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू। एज वी नो दैट डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडाइंग लेसन नंबर 7 इन माय प्रीवियस वीडियो एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ दिस लेसन। टूडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्न। एज वी नो दैट इन एवरी क्वेश्चन वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस इन विच वन इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन इज करेक्ट एंड वी हैव टू टिक इट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी, यानी कौन सा पोषक हमें एनर्जी प्रदान करता है। तो फैट्स है, विटामिन है या प्रोटीन है। तो बच्चों यहां पर आएगा फैट्स, यानी जो फैट होता है वो हमें एनर्जी देता है। तो यहां पर आएगा फैट्स। उसके बाद है विच ऑफ दीज प्रिजर्व्ड बाय वैक्यूम पैकिंग, यानी इनमें से किसको संरक्षित किया जाता है वैक्यूम पैकिंग के द्वारा। तो बच्चों वैक्यूम पैकिंग के द्वारा हम किसको संरक्षित करते हैं, नट्स को, पल्सेस को, मिल्क को। तो बच्चों मिल्क को तो उबाल के करते हैं या फिर फ्रिज में रख के, और पल्सेस को हम क्या करते हैं, ड्राई करके, और जो नट्स होते हैं उन्हें हम वैक्यूम पैकिंग करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नट्स इसका आंसर है। उसके बाद नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज स्टोर्ड बाय ड्राइंग, यानी इनमें से कौन सा सुखा के रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जैसे पिकल्स या पापड़स या वाटर। तो जो पिकल्स क्या होते हैं, मसाले को मिला के करते हैं, पापड़ को सुखाकर करते हैं, और वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पापड़स आएगा, क्योंकि जो पापड़ होते हैं उनको हम सुखाकर स्टोर करते हैं, सुखाकर संरक्षित करके रखते हैं। नंबर 4 है विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कौन सी बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जैसे गोइटर या स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस। तो बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है, बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न जो थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे कुकिंग है, स्टार्च है, सॉरी स्टार्च है, ग्लूकोज, शुगर, बैलेंस डाइट, नाइट और अमीनिया। ठीक है, जैसे नंबर 1 आता है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी एट। तो बच्चों एक व्यक्ति जो रात के अंधेपन से प्रताड़ित है वह दिक्कत महसूस करता है देखने में, कब, नाइट को। ठीक है, तो यहां पर नाइट आएगा, एन आई जी एस टी, नाइट। ठीक, तो यहां नाइट आ गया, ये फिनिश हो गया। नंबर 2 है ए डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। बच्चों यानी एक डाइट, यानी एक भोजन जिसमें, यानी जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ठीक उचित मात्रा में, कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, बैलेंस डाइट कहलाती है। यहां पर बैलेंस्ड डाइट आएगा, बैलेंस्ड डाइट। ठीक, उसके बाद नंबर 3 है एक्सेसिव डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिशनल कंटेंट। तो बच्चों यहां पर एक्सेसिव क्या आएगा, एक्सेसिव कुकिंग। ठीक है, यानी अधिक मात्रा में या अत्यधिक कुकिंग क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देती है पोषक तत्वों को। आगे चलते हैं, द सैलिवा ब्रेक्स डाउन द सोल्यूबल स्टार्च, या स्टार्च आएगा, प्रेजेंट इन द ब्रेड इंटू सोल्यूबल शुगर और ग्लूकोज। ठीक, तो ये भी फिनिश हुआ। नंबर 5 इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। तो बच्चों यहां पर आएगा अनेमिया, क्या आएगा, अनेमिया। ठीक, अनेमिया इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी के कारण अनेमिया होता है। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। जैसे नंबर 1 है व्हाट इज ए बैलेंस डाइट, यानी एक बैलेंस डाइट क्या है। तो बच्चों इसका आंसर मैं बता दूं आपको, देखेंगे ध्यानपूर्वक इसका आंसर। बच्चों यहां भी लिख सकते हैं, ये जो 2 है
तो ये भी इसका आंसर ही है। ठीक, तो मैं अपनी नोटों को बता रहा हूं। तो बच्चों देखेंगे बैलेंस डाइट क्या है। ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। तो बच्चों एक बैलेंस डाइट में जो है सभी आवश्यक तत्व होते हैं उचित मात्रा में। ठीक, तो ये नंबर वन का आंसर हो गया है। नंबर टू देखेंगे। नंबर टू है स्टूडेंट, व्हाट इज ए मलन्यूट्रिशन, हाउ इट इज कॉज्ड, यानी व्हाट इज ए मलन्यूट्रिशन, एक मलन्यूट्रिशन क्या है, हाउ इट इज कॉज्ड, इसके क्या कारण है। यहाँ पर बच्चों देखेंगे, इन मलन्यूट्रिशन मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, मलन्यूट्रिशन में हमारे देश में बहुत से बच्चे लुक पेल एंड सिक, यानी पीले और बीमार दिखाई देते हैं। दे डू नॉट गेट एनफ न्यूट्रिशंस फ्रॉम देयर डाइट, यानी वे अपनी डाइट से अपने भोजन से जो है पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये नंबर टू का आंसर हो गया। आगे चलेंगे, आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज स्कर्वी, हाउ इज इट कॉज्ड, यानी स्कर्वी क्या और इसके क्या कारण है। तो स्कर्वी क्या है देखेंगे। तो बच्चों विटामिन सी डेफिशिएंसी इन आवर डाइट लीड्स टू स्कर्वी। तो बच्चों यदि यानी विटामिन सी की कमी, हमारे भोजन में विटामिन सी की कमी स्कर्वी का क्या होती है, कारण होती है। इन स्कर्वी में देयर इज स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द जम्स एंड पेन इन द ज्वाइंट। तो यहां पर क्या हो जाता है, तो बच्चों स्कर्वी में जम्स में जो है स्वेलिंग होती है, यानी सूजन आ जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है, और ये ज्वाइंट होते हैं ठीक वो क्या होते हैं, उनमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। ये थ्री का आंसर हमने यहाँ करा दिया कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है। तो बच्चों डेफिशिएंसी डिसीज देखते हैं। बच्चों ए डाइट विच लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट लीड टू डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, यानी एक भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं वह डेफिशिएंसी डिसीजेस का कारण होती है। तो नंबर फोर का आंसर हो गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ आर पाइकल्स एंड जैम्स प्रिजर्व्ड थ्रू आउट द ईयर्स, यानी किस तरह से अचार और मुरब्बा सालों तक संरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर है बच्चों, टू मेक पिकल्स कट वेजिटेबल्स, यानी पिकल बनाने के लिए वेजिटेबल्स यानी कटी हुई वेजिटेबल्स में आर मिक्स मिलाई जाती हैं, साल्ट मिलाया जाता है, ऑयल एंड स्पाइसेस यानी कटी हुई वेजिटेबल्स में नमक तेल और मसाले मिलाए जाते हैं, सोल्ट एक्स एज ए प्रिजर्वेटिव, यानी जो सोल्ट होता है नमक होता है वह एक संरक्षक का कार्य करता है, फ्रूट्स आर बॉइल्ड विद सुगर टू मेक जाम। बच्चों फ्रूट्स को जो है बॉइल्ड उबाला जाता है चीनी में जाम बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए, हेयर सुगर एक्स एज ए प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पर जो चीनी होती है वह एक संरक्षक का कार्य करती है। पिकल्स एंड जाम्स कैन बी प्रिजर्व थ्रू आउट द ईयर, और अचार और मुरब्बे को सालों तक रखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आता है बच्चों फाइव हो गया, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज पैस्टोरिजेशन, यानी पैस्टोरिजेशन क्या है। तो बच्चों इन पैस्टोरिजेशन द मिल्क इज फर्स्ट हीटेड एंड देन कूल्ड डाउन टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। तो बच्चों पाश्चुरीकरण में द मिल्क इज फर्स्ट हीटेड, यानी पहले दूध को गर्म किया जाता है एंड देन कूल डाउन, और फिर उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, टू किल ऑल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, यानी इसमें उपस्थित सभी जीवाणुओं को मारने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर भी हो गया है। तो बच्चे क्वेश्चन आंसर हमारे फिनिश हुए, आगे चलते हैं। आगे है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जैसे यहाँ पर कॉलम वन कॉलम सेकंड दिया है, यहाँ पर कुछ बीमारियां दी गई हैं और यहाँ पर उनके कारण दिए गए, यानी किस कारण से ये बीमारियां होती हैं। जैसे गोइटर किस कारण से होता है बच्चों, गोइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है। अनेमिया किसके कारण होती है, अनेमिया आयरन की कमी के कारण होती है। रिकेट्स किस कारण होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है बच्चों, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। और स्कर्वी होता है
विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है, तो ये सारे मैच हमने आपको करा दिए हैं, तो आज हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, इस बार को कम्प्लीट कर लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।